चने लाहौर वालों का पसंदीदा खाना है, मगर चनों में चिकर छोले एक ऐसी डिश है जो अपने नाम और जायके के हवाले से आम दुकानों पर बिकने वाले चनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। चिकर छोले आपको हमेशा आठ कोनों वाले लकड़ी के एक बड़े देगचानुमा बर्तन में ही बिकते हुए नजर आएंगे। ये बर्तन ही चिकड़ छोले की पहचान है। कीचड़ को पंजाबी में चिकड़ कहा जाता है, तो इसकी मुनासबत से खाने की ये डिश कैसे मकबूल हुई, पकाने और खाने में ये आम चनों से कैसे मुख्तलिफ है, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। चिकड़ छोले दरअसल एक ऐसी डिश है जो घी में तैयार नहीं होती, ये सिर्फ पानी में पकते हैं और इसमें लहसुन और अदरक जैसे रिवायती सब्ज़ मसाले भी नहीं डलते। इन चनों का सलजायका काली मिर्च के अलावा दीगर गर्म मसालों से ही बनता है। एक तो ये चने पानी से बनते हैं और तैयार होने के बाद ये मलीदा से होते हैं, लिहाजा अपनी इसी जाहिरी सूरत की वजह से ये लजीज चने हमारे यहाँ चिकर छोले के नाम से मशहूर हो चुके हैं। आम दुकानों पर ग्राहक हमेशा गरम गरम चने ही खाना पसंद करते हैं, मगर चिकर छोले की एक खास इनफरादियत ये भी है कि ये जितने ठंडे होंगे उतने ही लजीज होंगे। चिकर छोले गरम करेंगे तो उनका असल जायका खत्म हो जाएगा। चिकर छोले के साथ नान और खास तरह की सलाद और चटनी बनाई जाती है। अब इन सारी चीजों के बगैर चिकर छोले खाएंगे तो वो चिकर छोले नहीं होंगे। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ के रिगल चौक पर फरोख्त होने वाले चिकर छोले अपने रिवायती जायके की बदौलत शहर भर में जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद जफर ने बताया कि वो चार दहाइयों से यहाँ दुकान कर रहे हैं। मेरी अपनी जाती सर्विस 40 साल है, उससे पहले मेरे दादाजी थे, फिर वालिद साहब, ये तीसरी जगह मैं हूँ। चिकर छोले जो है ना, ये मेरे दादा ने मुतारफ कराए थे पाकिस्तान में। ये चने होते हैं अच्छी नस्ल के, जिसको कहते हैं मियाँ वाली के चने होते हैं, सबसे अच्छे चने वो होते हैं। और उसको रात को हम भिगोते हैं, सुबह उठ के धो के उसको पका के, इसमें सिर्फ मसाले होते हैं, इसमें कोई ऑयल कोई चीज़ नहीं होती इसमें। लाहौर वालों के साथ साथ उनके चिकर छोले पाकिस्तान में आए गैर मुल्कियों को भी यकसां पसंद है। चिकर छोले पकाने का तरीका यह है कि सफ़ेद चनों को रात भर पानी में भिगोया जाता है और अला सुबह उन्हें पकाने का अमल शुरू हो जाता है। उबलने के बाद उन्हें काली मिर्च और दीगर मसाले डालकर हल्की आंच पर पकाया जाता है और इनका पानी खुश्क होने तक चिकर छोले तैयार हो जाते हैं। मोहम्मद जफर ने बताया कि चिकर छोले के आठ कोने वाले मखसूस बर्तन को टापा कहा जाता है। ये शीशम की लकड़ी का बना होता है, तैयार छोले इसमें उंडेल दिए जाते हैं तो शीशम की लकड़ी उनका रहा सा पानी भी चूस लेती है। खुला बर्तन होने की वजह से ये फौरी ठंडे भी हो जाते हैं। एक टापा 2 से 3 साल तक चल जाता है और फिर नया बनवाना पड़ता है। मोहम्मद जफर को ये तो नहीं पता कि चिकर छोलों की तारीख क्या है, मगर वो ये बता सकते हैं कि उनके वालिद हिंदुस्तान से जब हिजरत करके आए तो इस डिश के माहिर थे और उन्होंने यहाँ अपने कई शागिर्द पैदा किए। चिकर छोले जेब पर भी भारी नहीं होते, लगभग 100 रुपए के चिकर छोलों से एक या दो आदमी पेट भरकर खाना खा सकते हैं। घी ना होने की वजह से ये मैदे के लिए भी हल्के होते हैं। दूसरा, पुदीने और आलू बुखारे की चटनी होने की वजह से इनका जायका दुबाला हो जाता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।